यहाँ से हम थोड़ा सा मोटिवेट करके, और जब भी ये जिक्र करते हैं तो एक आलिम का जिक्र करते हैं, क्योंकि उनकी ज्यारत के लिए मखसूसन हम इस्फहान गए थे, और उन आलिम का नाम था हज़रत आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन तैयब रज़वानुल्लाह ताला अलैह। और वो तकरीबन उस वक्त शायद 100 के आसपास या 96 के थे। और जब हम गए थे, हम और एक हमारे दोस्त खावर बुखारी जैसे पाकिस्तान में, हम लोग दोनों साथ गए थे, पैंट शर्ट में थे जब तक हमें याद है, बल्कि जीन्स में थे, ना अमामा था ना दाढ़ी ज़्यादा थी। उनके घर गए, इतने बड़े आलिम के यहाँ उनकी ज़्यारत के लिए, तो उनकी साहबजादी भी बहुत बुज़ुर्ग थी। तो हमने कहा हम लोग आए पाकिस्तान के हैं, तालिब इल्म हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, और ना उस ज़माने में फ़ोन का था कुछ ना, मुँह उठा के जो है इस्फहान पहुँच गए। इस्फहान में गलियों में पूछते पूछते उन्हें घर पहुँच गए। तो खैर उन्होंने बुलाया बिठाया। उनकी दो किताबें मशहूर हैं, एक है कलिमुत्तैयब अकायद पर, एक है अतियबुल बयान तफसीर पर। फिर उनकी ज़्यारत से मुशर्रफ हुए, उनकी तफसीर जो है वो बेहतरीन तफासीर में से एक है। ख़ुद उन्होंने वाकया सुनाया कि जब मैंने कलिमुत्तैयब किताब अकायद में लिख ली तो उसी रात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़्यारत से मुशर्रफ हुआ, और वो मस्जिद सैयद एक इस्फहान में है, उसके मिंबर पर खड़े हुए थे, और इमाम ने इरशाद फरमाया कि कलाम पर तो किताब लिख दी गई है, अब तुम में से तफसीर पे कौन लिखेगा। तो मैंने इमाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया कि तफसीर पे मैं लिखूँगा, तो इमाम ने रज़ायत का इजहार फरमाया, और उन्होंने 20 जिल्दें लिखी हैं, माजरत 14 जिल्दें लिखी हैं 20 साल में। फरमाते हैं जब वो 14वीं जिल्द मुकम्मल हुई तो उसी रात दोबारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़्यारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुआ। इमाम तबस्सुम फरमा रहे थे, मैंने तफसीर उनकी खिदमत अक़दस में पेश की और इमाम ने तबस्सुम फरमाया, तो मैंने कहा कि इसमें अपनी मोहर लगा दें और साइन कर दें। इमाम ने मोहर लगाई तो मैंने देखा कि उसमें से एक नूर निकला जो आसमान की जानिब चला गया। बहुत ही मुकद्दस उलमा में से थे हज़रत आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन तैयब। उनसे हमने अर्ज़ किया कि कोई नसीहत फरमाइए, तो याद रखें कि उनकी आयतुल्लाह उज़्मा बहजत, आयतुल्लाह उज़्मा मराशी नजफ़ी, आयतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद अली अराकी, इनके अलावा आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद मुफ्ती शिया, और दर्जनों उलमा की जो हमेशा नसीहत रही वो यही रही कि ज़्यारत, खुसूसन कौन सी ज़्यारत, जामे और ज़्यारत आशूरा। हमने बहुत सारे उलमाए सवाल किया कि वाजिबात के बाद, याद रखें वाजिबात के बाद, मुहर्रमात से बचने के बाद, कि खुदा हम सबको वाजिबात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके माना ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, कि थोड़े कपड़े ज़्यादा होने से नहीं मसला हल होगा। आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें इताअत की तौफीक अता फरमाए, हम आपके लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें गुनाहों से महफूज रखे हम सबको। तो वाजिबात के बाद, गुनाहों से बचने के बाद, मैंने सवाल किया कि सबसे बेहतर अमल क्या है, मारफत खुदावंद तबारक व तआला और मारफत और क़ुर्बत मासूम अलैहि सलाम का। तमाम उलमा का कल इंशाअल्लाह दोबारा अर्ज़ करेंगे, इनका फरमान था कि ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामे कबीरा।